सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं दोस्तों सभी अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। मैं आप लोगों का दोस्त अमित सिंह गुस्साई। आज हम लोग ब्लॉग शूट करने वाले हैं रामनगर का। हम लोग जाने वाले हैं रामनगर गाइस, और रामनगर में अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूं। ऑन द स्पॉट जा रहे हैं, कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था। अभी कहाँ जा रहे ये भी नहीं पता हमें, और ये मोहित जा रहा है मेरे साथ में, बाकी दो दोस्त और हैं, ये आ चुके हैं दोबारा से। और महाराज जी को देखिए, पीछे आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल नाश्ता किया जा रहा है दवा के। इनको जूम करके फोकस के साथ दिखाया जाएगा, पर ये शर्माते बड़े हैं, शर्मीले हैं, आपने देखा ही होगा पहले व्लॉग में। और आपने आई थिंक इनके डांस भी देखे होंगे, बड़े मतलब मटक मटक के डांस कर रहे थे होली पे, ये है ना। तो दोस्तों सॉरी, वीडियो लेट आ रही है क्योंकि कुछ इश्यूज़ है फ़ोन का, इसलिए वीडियो लेट आ रही है। और अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे, घर की सफाई हो चुकी है आई थिंक पूरी, मम्मी बाहर सफाई कर रही है, और सुबह के बजे हैं 9। तो दोस्तों दिखाता हूँ अपने घर के हालत, और फिर चलते हैं हम लोग आगे। तब तक के लिए गाइस तो चलते हैं हम लोग। अरे देखिए सुमित सिंह गुस्साई, और हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली थोड़ा रामनगर में काम भी है, तो रामनगर में थोड़ा ऑफिस का काम है, वो एप्लीकेशन वगैरह कुछ देनी होती है तो वो देनी है, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। अभी थोड़ा यहाँ पे दोस्त आ रहा है, उसका वेट कर लेते हैं। यहाँ पे झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है पता नहीं। यहाँ पे हमारे बगल में दुकान है, मुरादाबाद में। अरे हमारे प्रकाश भैया हो चुके हैं लौंडे रेडी, पता नहीं कहाँ को जा रहे हैं। हे गाइस, तो मीट विथ माय फ्रेंड मिस्टर बादल से। हाय बादल, क्या हाल है ब्रो? बढ़िया भाई, तुम बताओ क्या हाल है? विनुदा, यह है विनुदा की दुकान हमारी, हाय तो कर दो। ये स्माइल दे दी विनुदा ने तो, चले तो दोस्तों चलते हैं, अभी थोड़ी देर मिलते हैं आपसे आगे। विनुदा के घर से, दुकान से सॉरी, जा रहे हैं दोस्त के लेने। चल भाई जल्दी चल, जा रहे हैं अभी चौराहे पे, अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं यहाँ से। तो मीट विथ माय फ्रेंड दीपू। अरे हेलो तो कर दे लौंडे, हेलो तो कर दे, वीडियो में आ रहा तू। अच्छा चालू कर रहा है। हाँ तो चलते हैं हम लोग आगे। भरा लिया है गाड़ी में तेल, यहाँ पे चल रहे हैं रामनगर। पहुंच चुके हैं रामनगर, क्रॉस करते हैं अभी रामनगर को और चलते हैं आगे। ये हम जा रहे हैं दोस्तों सीधे देहरादून रोड पे, और कॉलेज दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कॉलेज, पीजी कॉलेज है रामनगर का, डिग्री कॉलेज, जहाँ मोहित भी पढ़ता है। मोहित पढ़ाई चल रही, कैसी चल रही है? इनकी तो आवाज़ ही नहीं आ रही, कह रहे ठीक चल रही है। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं बैराजपुर में, और गर्मी काफ़ी है, दिन का टाइम है, 11-12 बजे हैं और काफ़ी गर्मी हो रखी है यहाँ पे। पानी देखिए कितना साफ और क्लीन हो रखा है, क्योंकि पानी रुका हुआ है थोड़ा। और व्यू देखिए बैराज का दिन के 12 बजे का,
कितना प्यारा व्यू है हमारे रामनगर बैराज का। बहुत धूप है सीरियसली दोस्तों, बहुत ही गर्मी हो रही है। जा रहे हैं ऊपर पहाड़ों के इलाकों में, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, मौसम कैसा होता है। वैसे धूप तो वहाँ भी लगी होगी, ऐसे तो है नहीं, बारिश हो रही होगी। चलते जाइए और नज़ारों के मज़े लेते जाइए। आ रहे थे ये देखिए, पता नहीं क्या कह रहे हैं, टेक में तुम्हें भी ले लेता हूँ, ये भी शूट कर रहे हैं आई थिंक। तो पहुँच चुके हैं हम लोग टेढ़ा वाली रोड पे, टेढ़ा की रोड जाते हैं। यहाँ पे हमारे गांव की याद आ रही है, यहाँ पे तो बिल्कुल गांव का जैसा मौसम होता है फील, वैसी बिल्कुल गाँव में। अभी कुछ दिन बाद जाऊँगा मैं गाँव और करूँगा वहाँ का शूट, क्योंकि है भाई की शादी, बहुत इंजॉय करेंगे वहाँ पे भी। यहाँ पे बरसात के टाइम पे आई थिंक बहुत ज़बरदस्त पानी आता है, और हमने यहाँ पे एक बार शूट भी किया था, मुझे याद है बादल हमने वाली वीडियो यहीं पे शूट की थी, यहाँ पे उस दिन जंगलात वाले आ गए थे। अरे बोल रहे थे आप शूट कैसे कर रहे हो तुम, कहाँ जाना है? और दोस्त चलते हैं क्रॉसलैंड, रास्ता भटक गए थे यहाँ पे, रास्ता नहीं पता था। भाई आपका नाम क्या है? बिजू ने बताया सही रास्ता। तो जा रहे हैं हम लोग आगे, और मेरे साथ है मेरा भाई मोहित, बाकी तीन तो आगे चले गए राउंड लोग। हम लोग पीछे से आ रहे हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, धूप तो है ही यहाँ पे। घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, आप लोग आ सकते हैं सीतामढ़ी में, और काफ़ी रिजॉर्ट भी मिलेंगे हमें देखने को। और ये व्यू देखिए आप, मतलब ये लिखा है आपको व्यू, और चलते काफ़ी दूर देर से हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं कहाँ जाना है इनको, काफ़ी दूर है रास्ता यहाँ पे, देखते हैं अभी कहाँ पहुँचते हैं। पूरा जंगल ही जंगल दिख रहा हमें तो। गाइस व्यू देखिए, आ चुके हैं हम लोग अपने पॉइंट पे, चारों तरफ देखिए आप कितना प्यारा मौसम हो रखा है, व्यू देख सकते हैं आप, देख रहे हैं आप यहाँ पे कितना प्यारा है व्यू। और ये लौंडे रुके हुए हैं यहाँ पे ग्रासलैंड देखने के लिए, बट क्या करें इनकी फूटी किस्मत, ग्रासलैंड पूरा सूख चुका है क्योंकि धूप ही इतनी हो रखी है, गर्मियों का टाइम है, सोचा था हरा भरा होगा। और यहाँ पे काफ़ी जंगली जानवर भी आते हैं दोस्तों, जंगली जानवर यहाँ पे अभी तो क्या ही आएंगे क्योंकि दिन का टाइम है और सूखा हुआ है पूरा, तो आई होप ही कि यहाँ पे जानवर आए हैं अभी। हम लोग उससे कम जानवर कोई है यहाँ पे, ये पांच जने हैं, एक गिनती का और एक दूसरा और एक तीसरा और एक चौथा, ये देखिए चीज कर रहे हुए जानवर दिखाई दिया भाई। जी सर आप क्या बोलना चाहते हैं, माइक में बोले प्लीज। आपको यहाँ कोई जानवर दिखाई दिया? नहीं बिल्कुल नहीं, हमें तो कोई जानवर नहीं दिखाई दिया। ये है रोहित भाई और ये है हमारे बादल भाई। बादल भाई कुछ बादल कृपा कर दो, कुछ बादल हमारा ऊपर बादले लाओ, कुछ बोलना चाहेंगे आप बादल भाई? ना बिल्कुल नहीं। ये देखिए गुस्से में, पता नहीं कहाँ, ये काशीपुर जाने का मन था इनका, पर हमें यहाँ खींच के ले आया, बहुत ही गुस्से आदमी। सो गाइस व्यू देख रहे हैं आप, कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे, स्विट्जरलैंड से कम नहीं हमारा उत्तराखंड। दोस्तों आप लोग आगे का पूरा पहाड़ आ चुका है गाँव, और ये आप लोग पहाड़ देख रहे हैं, ये कब नीचे आएगा कुछ पता नहीं है इस पहाड़ का। ये जा रहे हैं गांधी जी के तीन बंदर, सीमा समाप्त हो चुकी है, कृपया आगे ना जाए, देखिए बोर्ड लगा रखा है इतना बड़ा बड़ा।
पाकिस्तान बेटा आगे पाकिस्तानी है। यहाँ से मौसम देखिए बिल्कुल कूल कूल हो रखा है। यहाँ पे नीचे धूप थी और यहाँ पे बहुत प्यारा मौसम, बिल्कुल ठंडा चिल्ड, बिल्कुल अब लग रहा ना अच्छा यहाँ पे। वहाँ नीचे गर्मी हो रही थी यार। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर, सफर कैसा। पहाड़ों की ठंडी वादियों में बिल्कुल चिल्ड हो रखा मौसम, हल्की धूप है यहाँ पे और मौसम बड़ा अच्छा, ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल, वरना नीचे बहुत गर्मी हो रही थी सीरियसली। ड्राइवर कर दिया हमने चेंज, कोई भाई चला रहे हैं हमारी गाड़ी, देख सकते हैं आप। तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है दोस्तों, सीरियसली ठंडा बहुत हो रखा है, मस्त हो रखा मौसम बिल्कुल। यहाँ पे सीधे लगा रखे हैं यहाँ पे काफ़ी, कि यहाँ पे बिल्कुल गाड़ी से उतरना मना है क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर काफ़ी घूमते हैं, तो नहीं सकते कब आ जाए कहाँ से आ जाए। तो चलते रहिए और देखते रहिए व्यू। आप लोग यहाँ से रामनगर दिख रहा होगा आपको, पंपापुरी, बिल्कुल प्यारा व्यू है। जा चुकी ढलान पूरी, व्यू देखिए कितना प्यारा है, नीचे नदी भी है यहाँ पे, देख रहे हैं आप पीछे नीचे साइड में बिल्कुल जंगल ही जंगल यार सीरियसली। यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे रात में, अगर यहाँ से आप लोग कभी जाएंगे तो प्लीज़ ना जाएंगे रे, कितनी भी इमरजेंसी हो, क्योंकि बाघ वगैरह बहुत आते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप व्यू बिल्कुल। 4K में वीडियो शूट हो रही है। सो गाइस, A7S पहाड़ी बुलर को लगती है प्यास और हमको बड़ी मुश्किल से मिली यहाँ पानी, और इधर का व्यू देखिए कितना मस्त आ रखा है। चलो रे जंगल में तो बाघ भी आ सकता है, फटाफट चलो, यहाँ तो जंगल ही जंगल हो रखा आसपास में, चलो भाई फटाफट। पहाड़ों का ठंडा पानी, मज़ा आ गया। ये भैया देखिए पानी पी रहे हैं यहाँ पे, बादल भैया हमारे, जूता तो गया आपका भैया जी, ये बिल्कुल बहुत ही प्यासे हो रखे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रखे हैं प्यासे। तो अमित भाई क्या कहना चाहोगे, सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। गाइस तो पहुंच चुके हैं फाइनली घर पे, घूम के आए, घूमना तो बेकलू बेकार गया दोस्तों के चक्कर में, और अभी खा रहे हैं हम आइसक्रीम, और ये भी लपेट रहा है आइसक्रीम दबा के, ज़्यादा महंगी नहीं, 10 रुपये की मात्र, 10 रुपये की आइसक्रीम खाई और मज़े लीजिए, गोले के जरा बर्फ़ चूसना बिल्कुल नॉर्मल, ज़्यादा कुछ नहीं। और पीछे देखिए कैसे सो रखा है वहाँ पे, हटियो जरा इसको देखने दे, देख रहे हैं, रात में घोड़े बेच रहा था इसलिए अभी इसको नींद आ रही है। सो गाइस मिलते हैं, अरे रहने दे 5 बजे रनिंग। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मेरी आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, तो बाय बाय।